तो पिछले तीनों पार्ट में देखा कि एक ऐसी मशीन जो बताती है कि हमारी मौत कैसे होगी और ये मशीन हर बार राइट होती है और यह सब ये टेनिस प्लेयर भी जानना चाहता है। तो ये लड़का अपनी अंगुली इस मशीन के अंदर डालता है और फिर मशीन खून की जांच करके एक कार्ड बाहर निकालता है जिस पर लिखा होता है पैराशूट फेलियर और अब इसे पता है कि इसकी मौत कैसी होगी। लेकिन अब ये लड़का सोच लेता है कि अब वो कभी भी पैराशूट का इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब ये लड़का अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है और तभी उसके ऊपर एक पैराशूट गिरता है और वही उसकी मौत हो जाती है। और अब बारी आती है मैली नाम की लड़की की जिसके कार्ड पर लिखा होता है टाइम ट्रेवल, जिससे वो खुश हो जाती है और घर आकर मैली अपने बहन को बताती है कि उड़की मौत कैसे होगी। लेकिन उसे मैली पर यकीन नहीं होता जिसके वजह से दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी मैली को घड़ी से चोट लगने पर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब मैली होश में आती है तो वो अचानक टाइम ट्रेवल करके वल्डवार में चली जाती है जहां चारों तरफ गोलाबारी चल रही होती है जिसमें उसे भी एक गोली लग जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है।